आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया आतिक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से पुलिस प्रयागराज ला रही है। बता दें कि यूपी पुलिस की टीम रविवार शाम को अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकली थी। उसे 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है, जिनमें से 2 व्रज वाहन भी है। अतीक को व्रज वाहन से ही लाया जा रहा है। अतीक को लाने वाली टीम में 45 पुलिसकर्मी है। अतीक को मंगलवार को कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक आरोपी है। कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी पेश होना है। पुलिस उसे बरेली से प्रयागराज ला रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। कल शाम को अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। 6 पुलिस के गाड़ियों का काफिला है अतीक अहमद के साथ। लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद की कल पेशी होनी है, उसके साथ ही उसके भाई अशरफ अहमद को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम रविवार शाम को अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकल चुकी है और उसे 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, क्या एग्जैक्ट लोकेशन अभी अतीक अहमद की सामने आ रही है? नंदनी, आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है। आपको बताया, जहां एक तरफ अतीक अहमद को कल लगभग 5:44 पर गुजरात के साबरमती जेल से लेकर एसटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश आ रही है, इसमें आपको बताएं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अगर फिलहाल की बात करें तो अतीक अहमद अभी झांसी बॉर्डर पर क्रॉस किया है। वहां से माना जा रहा है कि लगभग 300 किलोमीटर की दूरी, 350 किलोमीटर की दूरी लगभग बची हुई है और शाम ढलते ही अतीक अहमद प्रयागराज की धरती पे होगा। आपको बताएं कि एक तरफ जहां अतीक को लाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ को लाया जा रहा है। 2006 में उमेश पाल अपहरण मामले में इन दोनों गैंगस्टरों की 28 मार्च को पेशी है। और अगर बात करें नंदनी, तो अतीक अहमद इस समय अगर देखें तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, उत्तर प्रदेश का अंतर्राज्यीय अपराधी है। इसको देखते हुए पुलिस पूरे कड़े इंतजाम के साथ उसे सड़क मार्ग से 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज ला रही है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वज्र की गाड़ियां भी आगों को रखी गई है, पायलट रखी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एम्बुलेंस की टीमों को भी रखा गया है, साथ में मेडिकल परामर्श के लिए ऐसी कोई दिक्कतें आए तो मेडिकल की टीम देख सके। साथ ही साथ आपको बताएं कि साथ में सुरक्षा के सभी इंतजाम के साथ, सभी आधुनिक हथियार के साथ लगभग 40 से ऊपर जवान इस पूरे काफिले में अतीक अहमद के साथ आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो झांसी में, जहां आज लगभग 8 के करीब अतीक अहमद का काफिला रुका था, उस वक्त अतीक अहमद से वहां मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप क्या डर रहे हैं, क्या आप भयभीत हैं, तो अतीक अहमद के चेहरे से अगर नंदनी देखा जाए तो अतीक काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। उसके चेहरे से अगर जवाब की बात करें तो अतीक साफ तौर से इनकार करते हुए डर से कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आया। जी विभांशु, बिल्कुल देखा जाए तो विभांशु अतीक अहमद के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कल कोर्ट में पेशी होनी है, किन किन धाराओं में कल सुनवाई हो सकती है? जी आपको बता दें कि ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया से पहले धारा का कहीं ना कहीं आशंका लगाना, आभास लगाना अनैतिक होगा, क्योंकि कोर्ट एक आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान के मुताबिक चलता है और आम जनमानस उसको कहीं ना कहीं आभास नहीं लगा सकता है कि किन मामलों में सुनवाई होगी, किस तरह की सुनवाई होगी। ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट के जो तराजू है जो उस पर रखा जाएगा दोनों पक्षों को, और वहां जो
महामहिम जज है वो फैसले को सुनाएंगे। आपको बताएं कि 28 तारीख को जब पेशी होगी, यानी कि कल जब पेशी होगी, तो तमाम जो अगर देखें एविडेंस, गवाह, साथ ही साथ तमाम दस्तावेजों को रखा जाएगा, उसके बुनियाद पर सजा सुनाई जाएगी। मगर आपको बता दें कि जहां एक तरफ 2006 में उमेश पाल का अपहरण होता है, उसके ठीक बाद हत्या हो जाता है, लगभग 17 साल पुरानी इन दोनों लोगों की दुश्मनी बताई जाती है। आपको बता दें कि अतीक अहमद जब अगर देखे तो दशक पहले चकिया में एक अपना संवाद चलाता था, जहां वो टॉर्चर रूम में अपने द्वारा जो भी उसके काम में, उसके ठेका में या उसके जो भी अगर कोई दिक्कतें आती थी तो वो चकिया के अपने घर में लाकर, चकिया का जो उसका आवास है वहां पर लाकर टॉर्चर करता था। टॉर्चर रूम की तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उमेश पाल को भी वो टॉर्चर रूम में लगभग 2 दिनों तक रखा था। तो इन तमाम जो दस्तावेज हैं, जो तमाम फाइलें हैं, जो तमाम गवाह हैं, उनके बुनियाद पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब कल आपको बताएं कि एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होगी, साथ ही साथ उसके भाई अशरफ की पेशी होगी। उस वक्त देखने वाली बात ये होगी कि एक लंबे सफर के बाद अतीक अहमद को कल जब पेश किया जाएगा तो अतीक अहमद किन बातों को कहते हुए नजर आता है। आपको बताएं कि अतीक अहमद का काफिला एक तरफ जहां निकला हुआ है, 1300 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है, झांसी का बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, मगर पूरी तरह से अगर देखें तो कल देर रात जो पुलिस महकमा है और आम जनमानस है उसमें गाड़ी पलटने को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज थी कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। मगर आपको बता दें नंदनी, इसमें कहीं ना कहीं देखें तो तमाम मीडियाकर्मी साथ में हैं, और साथ ही अगर बात करें तो अतीक अहमद के तमाम रिश्तेदार, परिवारजन के लोग भी साबरमती जेल से उसके साथ आ रहे हैं। आपको बताएं कि अतीक अहमद की बहन, जो कि कहीं ना कहीं आज सुबह मीडिया बाइट में ये कहते हुए नजर आई कि मेरे भाई के साथ गलत हो रहा है, और ये सारा कृत्य तब से शुरू हुआ है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का बयान दिए थे, तो साफ तौर से कहीं ना कहीं देखे तो अतीक अहमद के परिजनों के अंदर भी उत्तर प्रदेश का शासन का और साथ ही साथ पुलिस का कहीं ना कहीं उनकी बातों से डर नजर आता है। जी विभांशु, एक तरफ आपने बताया कि जब मीडिया कर्मी ने अतीक से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है तो उसने कहा कि काहे का डर, उसके बाद उनकी बहन लगातार कह रही है कि उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा है। आपको बताएं कि जब साबरमती जेल से पुलिस की टीम के साथ, तमाम सुरक्षा बलों के साथ जब साबरमती जेल से गुजरात का सफर शुरू होता है, उससे ठीक पहले ही अतीक अहमद के जो तमाम रिश्तेदार हैं, साथ ही साथ उनके परिजन हैं, वो साबरमती जेल से काफिले के पीछे पीछे आ रहे हैं और हर एक चीजों पर देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक देखे तो गलियारों में एक जो आवाज उठ रही थी उसको देखते हुए अतीक अहमद के एनकाउंटर की बात भी कही जा रही थी। मगर आपको बता दें कि अतीक अहमद को अब झांसी लाया जा चुका है और देर शाम तक प्रयागराज लाया जाएगा, जहां आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ अतीक को लाया जा रहा है तो दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ को भी उत्तर प्रदेश बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। आपको बताएं कि प्रयागराज के अंदर में अगर देखें तो अशरफ को बरेली से लखनऊ होते हुए और प्रयागराज ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि लगभग 6 बजे से 5 बजे के बीच में अशरफ का काफिला लखनऊ से होकर गुजरेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल इस मामले को लेकर जहां एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में ये मामले पर सुनवाई है, अतीक अहमद को क्या सजा सुनाई जाती है, क्या कोर्ट का अपना रुख रहता है, वो आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अतीक अहमद की पहचान उत्तर प्रदेश में एक खूंखार अपराधी के रूप में हुई है, क्योंकि निर्मम तरीके से अगर देखें तो कई लोगों को ये अपहरण कर चुका है, साथ ही साथ हत्या में कहीं ना कहीं साजिश के तहत हत्या भी कर चुका है। साथ ही आपको बताएं कि अतीक अहमद एक बाहुबली के साथ साथ एक राजनेता का भी सफर तय कर चुका है, सांसद भी रह चुका है फूलपुर से, साथ ही साथ वो सदन का सदस्य भी रह चुका है। आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ सभी राजनीतिक दल अतीक के मुद्दे से अपना पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कल फैसला आता है तो क्या इस पर सियासत होती है या नहीं, क्योंकि आज से ठीक 32 दिन पहले उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जिसमें आपको बताएं कि एकदम सड़कों पर बमबारी की गई थी अतीक अहमद की गुर्गों के द्वारा। उसके भाई अतीक अहमद के पुत्र असद के तस्वीरों में साफ तौर से अगुवाई करते हुए नजर आया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं अतीक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2006 के मामले में कल पेशी है,
उसमें एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी, अपना दोनों पक्षों का रुख सुनेगी। साथ ही दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड जो कि 32वां दिन है आज, तो क्या इस मामले को लेकर कोई औपचारिक रूप से मतीक अहमद से पूछताछ होगी, वो आने वाला समय बताएगा। विभांशु, लेकिन देखा जाए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उमेश का सीधा परिवार उन अतीक अहमद के ऊपर ही आरोप लगा रहा है। जी नंदनी, विभांशु देखा जाए तो अभी हाल ही में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सीधा तौर पर उमेश के परिवार जो है अतीक अहमद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर से आरोप लगाते हुए आ रही हैं और कह रही हैं कि मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है कि मेरे जो उनके पति हैं उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6 साल 2 दिन सरकार के हो चुके हैं और लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफियाओं पे कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश और साथ ही साथ देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो लगभग 10,000 से ऊपर माफियाओं पर 6 सालों में कार्रवाई की गई है। लगभग 74,000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया तंत्र था वो धीरे धीरे अब खत्म सा नजर आता है, जिसका नतीजा है कि आज अतीक अहमद कहीं ना कहीं डरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि अगर बात करें तो जहां एक तरफ उमेश पाल के तमाम जो परिजन हैं और तमाम जो चाहने वाले हैं जो उनके सहयोगी रहे हैं उनका न्याय की गुहार को लेकर वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आपको बताएं कि इस मामलों के लेकर अगर देखा जाए तो बीते दिन से लगातार जो अतीक अहमद के परिजन है वो मुख्यमंत्री से इस बात का आशंका लगा रहे थे कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। और आपको बताएं कि अब अगर बात करें तो अतीक अहमद का जो काफिला है वो झांसी बॉर्डर को क्रॉस करके अब झांसी से लगभग आधे झांसी को पार कर चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो रूट है इसमें लगातार फेर बदलाव किया जा रहा है। एसटीएफ की टीम एक तय रूट से अलग हट हट कर वो नए रूटों को ले रही है। आपको बताएं कि अगर देखें तो झांसी से प्रयागराज के लिए अब सीधे अतीक अहमद का काफिला जाएगा। इसमें अगर बात करें तो जिन राज्यों से होकर अतीक अहमद का काफिला गुजरा है वहां की जो स्टेट पुलिस है वो पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करके और अतीक अहमद के काफिले को कहीं ना कहीं अपने राज्य से निकलवाई है। साथ ही अगर बात करें तो सुरक्षा के पूरे जो दस्ता है वो पूरे तैनाती के साथ पूरे सक्रियता के साथ पूरे अलर्ट मोड में अतीक अहमद को ला रहे हैं। आज आपको बताएं कि शिवपुरी के अंदर में जब अतीक अहमद का काफिला गुजर रहा था तो एक आवारा पशु से टकराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे अभी वायरल है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कहा गया कि अतीक अहमद की गाड़ी पलटने से बच गई क्योंकि कहीं ना कहीं शिवपुरी के सीमा में प्रवेश करते ही गाय से टकराने के बाद अतीक अहमद जिस वैन में बैठा था उस वैन से गाय टकराई और कहीं ना कहीं उस वीडियो के आने के बाद कहा गया कि अतीक अहमद बच गया, जिससे कहा जा रहा था कि गाड़ी पलट सकती थी। आपको विभांशु तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से पुलिस प्रयागराज ला रही है। और आपको बता दें कि पुलिस का काफिला झांसी पहुंच चुका है। बता दें यूपी पुलिस की टीम रविवार शाम को अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकल चुकी थी। उसके साथ 6 पुलिस कर्मियों के गाड़ियों का काफिला है यूपी के प्रयागराज लाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 व्रज वाहन भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। कल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि अतीक को मंगलवार की कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक आरोपी है। कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी कल पेश होना है। पुलिस उसे भी बरेली जेल से प्रयागराज लेकर आ रही है।
और इस पे अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, देखा जाए तो अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रही है? गुजरात के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और बीते कल देर शाम से ही प्रयागराज लाने की जो तैयारियां है वो सामने देखने को मिली है। करीब 48 पुलिस कर्मियों की टीम है और पूरे जो सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और प्रयागराज के केंद्रीय कारागार अतीक अहमद को रखा जाएगा, जहां पर अतीक अहमद को कल जो है MPMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक अहमद को MPMLA कोर्ट में कल फैसला सुनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को कल सजा भी सुनाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से भी बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो उस पूरे घटना में अतीक अहमद और अतीक अहमद का भाई अशरफ जो बरेली के जेल में बंद है वो पूरे घटना के मुख्य आरोपी बताए गए हैं। तो इसलिए जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय कारागार नैनी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि जिस अस्थायी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा वहां पर CCTV और बॉडी वॉर्न कैमरे से अतीक अहमद की निगरानी की जाएगी और उस पूरे कैमरे का जो मॉनिटरिंग है वो लखनऊ से की जाएगी। ऐसे में जो सुरक्षा है वो व्यापक बनाई गई है और अतीक अहमद की अगर बात करें तो बीते कल से ही अतीक अहमद को सड़क के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा है और कुछ ही देर पहले की जो सूचना सामने आई ऐसे कहा जा रहा है कि झांसी पार करने के बाद अतीक अहमद का कैफला कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। ऐसे में जो जगह जगह सड़क है रास्तों को डाइवर्ट किया गया और तमाम जो है सुरक्षा के वो इंतजाम किए गए हैं और जितने भी रास्ते में टोल प्लाजा पड़ेंगे वहां से जितने भी कमर्शियल वाहन उनको तब तक रोक लिया जाएगा जब तक अतीक अहमद का काफिला वहां से गुजर नहीं जाता है। तो ऐसे में अतीक अहमद को सुरक्षित जो है वो प्रयागराज लाया जा रहा है और MPMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी नंदिनी जी, पवन बनी रही है हमारे साथ। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हैं। गौरव, देखा जाए तो अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है सीतापुर के रास्ते से होते हुए। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पर सरकार की एक इच्छा थी और जरूरत भी थी कि यहाँ पर सुनवाई होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं होगी। अब इनको MPMLA कोर्ट में भी लाया और तमाम मुकदमे उन पर दर्ज है, इस पर सुनवाई यहाँ पर होगी और जिसके तहत सरकार ने कहा था कि हम साबरमती से अतीक अहमद को यहाँ पर लेके आएंगे, उसी कड़ी में यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर आया जा रहा है और निश्चित रूप से बड़ी सियासी घटना यहाँ पर है क्योंकि लगातार सभी लोगों का जो नज़र थी इस पर बनी हुई थी कि क्योंकि अतीक अहमद और उनके परिजनों ने डर दिखाया था कि उनकी गाड़ी पलट सकती है, कहीं ना कहीं अंदेशा उनको लगाया जा रहा था। पर उसके अलग यहाँ पर अतीक अहमद को साबरमती जेल से उदयपुर के रास्ते कोटा के रास्ते यहाँ पर लाया जा रहा है और यहाँ पर झांसी से आंगुर का काफिला भर चुका है, झांसी से वहाँ पर हमीरपुर राठ बांदा के रास्ते यहाँ पर चित्रकूट होते हुए मानकपुर होते हुए इनको प्रयागराज लाया जाएगा। कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात नंदिनी यहाँ पर यह है कि जो अंदेशा बताया जा रहा था कि गाड़ी पलट गई, ऐसा कुछ यहाँ पर घटना कोई नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर केवल ये अंदाज लगाया था कि हमें डर किस बात का है, अतीक अहमद ने स्पष्ट दिखा था। पर कहीं ना कहीं बेचैनी अतीक अहमद के चेहरे पे जब कल जब वो साबरमती जेल से निकला था, जब बस बाहर में चढ़ा था, पुलिस वैन में चढ़ा था, तब उसके चेहरे पे जो बेचैनी नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं डर भी नजर आ रहा था तो अंदेशा भी नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हो सकता है जैसे पूर्ववर्ती घटना हुई है। पर चूंकि जिस तरह से यहाँ पर सरकार का कहना है कि हमने पूरी चौकस व्यवस्था के साथ अतीक अहमद को लेके आ रहे हैं साबरमती जेल से कस्बा उदयपुर कोटा होते हुए झांसी होते हुए फिलहाल राहत हमीरपुर के रास्ते चित्रकूट बांदा मानपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचेगा, कल सुनवाई होगी। तो भाई दूसरी तरफ अतीक अहमद का भाई अशरफ उसको भी बरेली जेल से या सीतापुर के रास्ते लाया जा रहा है और कल इन दोनों की MPMLA कोर्ट में सुनवाई होगी। सबसे महत्वपूर्ण नंदिनी यहाँ पर यह भी है, सरकार की जो कवायद होती है वो यहाँ पर पूरी चल रही है। आपको बता रहे हाल में ही मुख्तार अंसारी जो कि हरियाणा के पंजाब के जेल में बंद था, पंजाब में जेल के बंद होने के कारण भी वहाँ पर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, तमाम प्रक्रिया थी। उसके अलग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी को भी यहाँ पर लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की कवायद होती है वो यहाँ पूरी होती दिख रही है और माफिया के खिलाफ सरकार की जो नीति है कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे उस पर लेकर लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। गौरव, रुक करते हैं पवन की तरफ। पवन, देखा जाए तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उमेश का परिवार सीधे तौर पर अतीक अहमद पर आरोप लगा रहा था और इसको लेकर आज देखिए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना है उमेश पाल के परिवार का? जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो उस पूरे घटना में जब अतीक एंड कंपनी का नाम सामने आया तो उमेश पाल के परिजनों ने साफ तौर पर इस चीज को कहा है कि जब तक अतीक के पूरे कुंबे का
जो है खात्मा नहीं हो जाता है तब तक उमेश पाल के परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सामने आई थी कि अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट सकती है, हालांकि ऐसी अभी तक खबरें सामने नहीं आई, लेकिन उमेश पाल का जो परिवार है वो साफ तौर पर चाहता है कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के जितने भी गुर्गे या करीबी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है उनको इनकाउंटर में मार गिराया जाए। चूंकि अगर पूरे घटना को देखा जाए तो प्रयागराज पुलिस और UPSTF द्वारा इस पूरे घटना में शामिल दो आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान मारा भी है। हालांकि इस पूरे घटना में करीब 13 ऐसे चेहरे सामने थे जिनको पुलिस द्वारा नामजद किया गया था, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल अभी तक सामने आया कि पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि इस पूरे घटना में शामिल मुख्य रूप से सभी आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, हालांकि उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर इस पूरे घटना में तमाम तरह की बातें सामने आई थी, कहा यह भी जा रहा था कि अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट सकती है, लेकिन चूंकि कोर्ट का मामला है और पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाए। चूंकि उमेश पाल अपहरण कांड मामले में MPML कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी है, ऐसे में पुलिस की जो है जिम्मेदारी बढ़ गई है। और सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस की टीमें लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो है पल पल का अपडेट ले रहे हैं। जितने भी आला अधिकारी हैं पूरे मामले को संज्ञान लिए हुए हैं, और जब तक प्रयागराज के MPML कोर्ट में अतीक पेश नहीं किया जाता है तब तक यह जो रास्ते की बात है या तमाम सुरक्षा की बात है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये वो तस्वीर है, ये केंद्रीय कारागार नैनी की वो तस्वीर है, और देखिए यहाँ पे पुलिस कर्मी है। आने जाने वाले जितने भी सेंट्रल जेल के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनसे पूछताछ किया जा रहा है और उनसे बाकायदा पूरी जानकारी ली जा रही है। और यही वो रास्ता है जिस रास्ते से अतीक अहमद को केंद्रीय कारागार नैनी में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी कुछ ही घंटों बाद अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाला है और इसी रास्ते से केंद्रीय कारागार नैनी में अतीक अहमद को ले जाया जाएगा और इसी केंद्रीय कारागार में अस्थायी बैरक में अतीक अहमद को रखा जाएगा, जहां पर CCTV तथा बॉडी वॉर्न कैमरे से अतीक अहमद की निगरानी की जाएगी और अतीक अहमद के पास जितने भी कैमरे हैं उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ के मुख्यालय से होगी। जी नंदिनी, पवन बताया जा रहा है 45 पुलिस कर्मी उनके साथ मौजूद हैं, 6 पुलिस कर्मियों का काफिला चल रहा है, 6 गाड़ियों का काफिला है। कब तक प्रयागराज में ये काफिला पहुंच जाएगा? बिल्कुल 45 पुलिस कर्मियों की टीम है जिसमें एक DSP 4 SP सहित तमाम 45 पुलिस कर्मी है और 2 वज्र वाहन है और करीब 6 से 7 जो है पुलिस के और वाहन है। और एक वज्र वाहन में ही अतीक अहमद को बैठाया गया है। अतीक अहमद की वो तस्वीरें भी सामने आई है जब अतीक अहमद को वज्र वाहन में बैठाया गया था और तमाम रास्ते में रुकने की भी तस्वीरें आई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अतीक के चेहरे पर मौत का खौफ साफ तौर पर देखा गया। बीते कल एक वीडियो सामने आया था जब अतीक अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि उसको हत्या का डर सता रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जितने भी अभी तक अतीक के मामलों की बात की जाए तो पूरे पूर्वांचल में अतीक का जो अभी तक वर्चस्व रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि अतीक मौत का खेल खेलता रहा, लेकिन इतने बड़े अपराधी के चेहरे पर कल जो है मौत का खौफ वो साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन पुलिस की टीमें लगातार अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज लाने में जुटी हुई है और कल MPML कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उमेश पाल अपहरण कांड मामले में कोर्ट में सुनवाई है और इस मामले को लेकर कोर्ट का फैसला भी आएगा। कहा यह भी जा रहा है कि अतीक के ऊपर कल जो है सजा का ऐलान किया जाएगा और संबंधित जितने जो भी संबंधित जेल है पुलिस द्वारा उसी जेल में फिर से वापस पहुंचा दिया जाएगा। जी रुक करते हैं गौरव की तरफ। गौरव, देखा जाए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की कल कोर्ट में पेशी होनी है, क्या लगता है उनके साथ साथ मुख्य आरोपी कौन कौन से कल पेश किए जाएंगे? देखिए आपको बता दूं नंदिनी, यहाँ पर आरोपियों के साथ साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अतीक अहमद रहेंगे, उनके भाई अशरफ रहेंगे, तमाम जो इस मामले में नामजद हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अतीक अहमद पर तमाम पुराने मामले हैं, उनकी भी यहाँ पर सुनवाई हो रही है। अभी हाल में जिस तरह देखा था उमेश पाल हत्याकांड भी इसी मामले की गवाही देता है, कहीं ना कहीं राजू पाल हत्याकांड के बाद जब उमेश पाल यहाँ पर मुख्य गवाह था उसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और उमेश पाल के परिजनों ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर अतीक अहमद के ऊपर नाम अपना बताया था कि अतीक अहमद उनके गिरोह ने इस तरह की हत्या की है। कहीं ना कहीं इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से साबरमती जेल से इनको लाया जा रहा है उससे कल यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के अलावा जो तमाम आरोपी है, जो मुख्य आरोपी की अगर हम बात करें तो अतीक अहमद की बात करें या अशरफ की बात करें, इसके अलावा तमाम 6 आरोपी और हैं जिनकी यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। क्योंकि अभी तक हम बात करें तमाम दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज
थे, पर अभी तक सजा की अगर बात करें तो कम मामलों सजा अभी तक हुई है। फिलहाल लगातार गवाह के सिलसिला जारी, कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी यहाँ पर लगातार जो मामले होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, जो वकील होते हैं मामले तारीख टालते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रश्न है वो इनको यह भी है कि एमपी एमएलए कोर्ट का कोई मामला आता है जल्द सुनवाई होनी चाहिए, जो पुराने मामले हैं उनको भी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए और जिससे जल्द उनकी सुनवाई हो सके और जल्द फैसला आ सके। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। पवन बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं, संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 10वां दिन है। 9 दिन में ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है, जहां आज फिर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। कार्यवाही शुरू होते ही जैसे आसार थे राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर हंगामा हो गया। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की, हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि काले कपड़ों में राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर विरोध जताया गया। कांग्रेस के सदन से लेकर सड़क तक का लगातार प्रदर्शन जारी है। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर आज काले कपड़े में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से सदन से लेकर सड़क तक लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं पर आज स्पीकर ओम बिरला ने शाम तक विधानसभा कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सदन में हंगामा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और इसको लेकर पूरा विपक्ष जो है एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। आज काले लिबास में कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक सदन में हंगामा करते हुए विपक्ष एक तरफ से पूरी तरह से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है संसद की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद से, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज काले लिबास में कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए पहुंची है और उन्होंने दूसरे भी विपक्ष पार्टियों से काले कपड़े में आने का अनुग्रह किया था। माननीय सदस्य मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित कर दी है। देखिए माननीय सदस्य, राज्यसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि काले कपड़ों में राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस का सदन से लेकर सड़क तक लगातार प्रदर्शन जारी है। कल कांग्रेस ने सत्याग्रह किया था, आज काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रही है। माननीय सदस्य वहीं अगर बात करें तस्वीर आप दो तस्वीर देख रहे हैं सदन में हंगामे को लेकर, वहीं काले लिबास में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाने के बाद। माननीय सदस्य
माननीय सदस्य, मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, आज कांग्रेस का काले लिबास में प्रदर्शन चल रहा है राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसद की जो पद था, जो उनका सांसदी था, उसके जाने के बाद और अडानी मामले को लेकर आज विपक्ष से पूरी तरह से ब्लैक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इसमें बात करें तो इसके 17 विपक्षी दल शामिल हुए हैं। आपको बताएं कि इसमें कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहने हुए नजर आ रही है। आपको बताएं कि अगर देखा जाए तो एक तरफ विपक्ष ने, जहां सांसदों ने भारी हंगामा किया, तो दूसरी तरफ बात करें तो संसद के स्पीकर ओम बिरला की तरफ से आसन तक कुछ सदस्य पहुंच गए, जिसके बाद काले कपड़ा लहराना शुरू कर दिए, जिसके चलते लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जो सदस्य थे तो काले लिबास पहनकर और आगे कपड़ा लहरा रहे थे, उनको मनाने का प्रयास किए और उन्हें वापस अपनी जगह पे जाने का प्रयास कहने लगे। उसके ठीक बाद वहाँ के तमाम सदस्य थे वो अपनी बातों पे अड़े रहे, जिसके चलते संसद को स्थगित कर दिया गया है। आपको बताएं कि 11 बजे से दोनों ही सदनों में कार्रवाई शुरू हुई जल से, इसके ठीक बाद से नारेबाजियों के बीच संसद की शुरुआत होती है और आपको बताएं कि राज्यसभा को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काली पगड़ी में पहने हुए नजर आए और वो ये शब्द बोल रहे थे कि काला कपड़ा जो है वो लोकतंत्र के बचाने के लिए है और जो हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से तमाम काम किए जा रहे हैं, चाहे बात की जाए अडानी के संबंधों की, चाहे बात करें राहुल गांधी की सांसदी जाने की, इसको लेकर हम काले कपड़े से अपना विरोध जता रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके काला अध्याय लिखते हुए कि लोकतंत्र का ये काला अध्याय है, ऐसे वो ट्वीट करते हैं। जिसके बाद अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ अब टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस भी कहीं ना कहीं साथ नजर आ गई है। आपको पता है कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच एक मतभेद है, लंबे समय से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए नजर आती है, मगर आज के प्रोटेस्ट में पूरी तरह से सभी दल लगभग 17 दलों के नेता, 17 विपक्षी दलों के नेता एक होकर अपूरे मामले पर सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। जी विभांशु, एक तरफ जिस तरीके से राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष एक तरफ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं वीर सावरकर को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपना बयान दिया है कि ये अपमानजनक है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि वीर सावरकर के जो लेकर तमाम बातें बोली जा रही है ये महाराष्ट्र की जनता अब स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जिस भूमि से आते हैं वीर सावरकर वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के अंदर में कहीं ना कहीं देखे तो वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप उन्हें विरोध कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मगर आपको बताएं कि इस विरोध प्रदर्शन में जहां एक तरफ से लगातार सरकार से जेपीसी की मांग की जा रही है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी के कैसे शेयर बढ़े इस मामले को लेकर, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अमर्यादित भाषा में संसदी जाने के बाद, उनकी सांसदी जाने के बाद लगातार पार्टियां सवाल पूछ रही हैं। अब 17 राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल एक होकर पुरजोर विरोध कर रही है केंद्र सरकार का, और साथ ही आपको बताएं कि अब आपने देखा कि लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, लोकसभा को 2 बजे तक, राज्यसभा को 4 बजे तक। उसके ठीक पहले अगर बात की जाए तो सदन की कार्रवाई से ठीक पहले जो कांग्रेस पार्टी की आल पार्टी मीटिंग हुई, यानी कि सभी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कांग्रेस सहित डीएमके, सपा, जेडीयू, बीएसआर, सीपीआई, आरजेडी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत 17 पार्टियां शामिल हुई।
आपको बताएं कि इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस की एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस का अचानक इस बैठक का हिस्सा बनना कहीं ना कहीं एक नया संदेश देता है कि क्या लोकसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक दल एक होकर चुनाव में आएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। मगर कहीं ना कहीं जो विपक्षी दलों की आपस में एकजुटता देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं संदेश निकल के आता है। आपको बताएं कि नंदनी की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कल एक संकल्प सत्याग्रह किया, जिसमें अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग कोनों में इसका असर देखने को मिला। साथ ही अगर बात करें ठीक है, प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक किया गया। साफ तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है, पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है, जिसमें उन्हें मोदी सरनेम को लेकर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, उसे कहीं ना कहीं अनैतिक बताते हुए वो राजनीति के तहत उनकी सदस्यता जाने पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कांग्रेस पार्टी लगातार पुरजोर विरोध कर रही है, संसद से लेकर और सड़क तक संघर्ष करते हुए नजर आ रही है, उसमें क्या नतीजा मिलता है वो लोकसभा चुनाव में देखना होगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।